दोस्तों आयुर्वेद में बहुत तरह के आसव और अरिष्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि कुमार आसव, भंगराज आसव, लोह आसव, त्रिफला अरिष्ट और आजकल एक और अरिष्ट आ गया है जो है पंचारिष्ट। तो ये मैंने आपको कुछ आसव बताए, ऐसे बहुत तरह के आसव होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कुछ आसव अरिष्ट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप आसव और अरिष्ट का सेवन करती हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहली चीज़ कि हर तरह के आसव और अरिष्ट पाचन में हल्के होते हैं, पाचन को बढ़ाने वाले होते हैं, जठर अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। शरीर में जो चीज़ जमी थी यह आसव अरिष्ट क्या करते हैं कि हर तरह के आसव उन चीज़ की तोड़ फोड़ करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मान लो कि जिन व्यक्तियों को कब्जी की समस्या है, तो अगर वह व्यक्ति आसव और अरिष्ट का सेवन करते हैं तो यह कब्ज की समस्या भी दूर होगी। जो पेट में रुकी हुई वायु थी यानी कि गैस थी, तो यह आसव अरिष्ट क्या करते हैं कि यह उसको भी निकाल देती हैं। तो हर तरह के आसव और अरिष्ट जठर अग्नि को बढ़ाने वाले, भूख बढ़ाने वाले, हाजमा बढ़ाने वाले और इसके साथ साथ डिटॉक्स करने वाले होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि हर तरह के आसव और अरिष्ट आसव हल्के से तासीर में गर्म होंगे, लेकिन जो अरिष्ट होते हैं वह तासीर में 100% गर्म होती हैं। इसलिए जो व्यक्ति गर्म शरीर वाले हैं तो वह व्यक्ति आसव का सेवन करे, हालांकि यह उतने गर्म नहीं होते, हल्के से, लेकिन जो अरिष्ट हैं वह बहुत गर्म होंगे। दूसरी बात कि अगर आसव और अरिष्ट सही तरह से बनाए गए हों तो वह आसव और अरिष्ट जितने पुराने होते हैं उतने ही अच्छे होते जाते हैं, उतने ही अच्छे उनके गुण होते जाते हैं। इसके साथ एक और बात कि अगर वह आसव अरिष्ट अगर कांच की बोतल में रखे गए हों तभी वह जितने पुराने उतने ही अच्छे होते जाते हैं। और एक और बात कि जो पुराने आसव होते हैं और पुराने अरिष्ट होते हैं यह दोनों तरह के, तो अगर यह 1, 2, 3, 4 साल पुराने हो गए हैं तो इनकी तासीर गर्म हो जाती है, हालांकि नए आसव की तासीर गर्म नहीं होती, ना ही ठंडी होती है, लेकिन जब यह पुराना हो जाता है तब इसकी तासीर गर्म हो जाती है, इसमें तीक्ष्णता आ जाती है। तो इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है कि आसव अरिष्ट की तीक्ष्णता को कम करने के लिए, इसकी तासीर को बैलेंस में लाने के लिए इसको लेना चाहिए पानी के साथ, बराबर मात्रा में पानी के साथ। अगर व्यक्ति इसको बिना पानी के साथ लेता है यानी कि इसको डायरेक्ट पी लेता है तो इसकी 100% गारंटी है कि उसको इसका असर उसकी जीभ से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसको डायरेक्ट पीने से क्या होता है कि हमारी जीभ जलने लगती है, इसलिए व्यक्ति को इसको बराबर मात्रा में पानी के साथ लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा में उनको आसव अरिष्ट का सेवन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति बलवान है, जो व्यक्ति स्वस्थ है और जो व्यक्ति बड़े हैं तो वह इसका सेवन कर सकते हैं 2 से 4 तौला तक। कमजोर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं 1 तौला तक यानी कि 11 ग्राम की मात्रा में या 10 ग्राम की मात्रा में। जो बच्चे हैं वह इसका सेवन कर सकते हैं 0.5 तौला की मात्रा में यानी कि 3 से 6 ग्राम या 1 चम्मच। और जो बच्चे दूध पीने वाले हैं वह इसका सेवन कर सकते हैं 10 से 15 बूंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।